8 दिसंबर को तमिलनाडु के कोनूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत हो गई। इस घटना में रावत की पत्नी समेत 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस का पद क्या होता है और क्यों ये अहम है, चलिए जानते हैं। देश का CDS इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। चीफ ऑफ डिफेंस एक 4-स्टार जनरल होता है। CDS रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है। CDS की नियुक्ति आर्म्ड फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल बनाने के लिए हुई है। साथ ही CDS न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। भारत ने 2008 में सेना, अंतरिक्ष विभाग और इसरो के बीच तालमेल के लिए द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का गठन किया था। CDS के पास इस डिवीजन का भी चार्ज रहता है। CDS का काम तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना होता है। चीफ ऑफ डिफेंस की जरूरत सबसे पहले साल 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान खली थी। इसके अलावा CDS के कोऑर्डिनेशन की कमी 1987 से 89 के दौरान भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान भी देखी गई। 1999 के करगिल युद्ध में भी ये कमी महसूस की गई थी। करगिल युद्ध के तुरंत बाद CDS की नियुक्ति की बात पर समीक्षा के लिए करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन कई बार किन्हीं वजहों से CDS की नियुक्ति अगले 2 दशक तक नहीं हो सकी। लेकिन साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने CDS का पद बनाए जाने की घोषणा की थी। अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। और दिसंबर 2019 में जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे और ये बात भी कही गई थी कि 65 साल तक CDS अपने पद पर काम कर सकेगा। विपिन रावत के निधन से देश की सेना को बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अब विपिन रावत के बाद वाइस CDS एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन के कंधों पर CDS के पद की जिम्मेदारी आ गई है। नए CDS की नियुक्ति तक ये इस पद से जुड़े सभी फैसले लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए